आज जो कांग्रेस है उन्होंने प्रूफ कर दिया कि दुनिया में कहीं भी मुसलमानों का तकलीफ होगा तो हम है, लेकिन हिंदू का तकलीफ है हम नहीं है। हम खाली हिंदू का बीच में हिंदू को जातियों में तोड़ने का काम ही हमारा मकसद है, बाकी और हमारा कुछ लक्ष्य नहीं है। जो कांग्रेस है, आप देखिए प्रियंका गांधी और कांग्रेस फैब जो परिवार है, उन्होंने गाजा के लिए कितना बार ट्वीट किया है। लास्ट 2-3 महीना में आप देखे गाजा के लिए ट्वीट करना, गाजा का अल्पसंख्यकों के लिए धरना प्रदर्शन करना, आप पूरा तमाम जो कांग्रेस और उनका इकोसिस्टम को देखिए कि गाजा के लिए कितना हंगामा किया। हालांकि गाजा में जो हुआ था वो टेररिस्ट एक्टिविटी था, और जो भी हो रहा है ये एंटी टेररिस्ट कारोबार हो रहा है, लेकिन बांग्लादेश का हिंदू के लिए ये कांग्रेस लोग कितना बार ट्वीट किया, कितना बार धरना प्रदर्शन किया। आज जो कांग्रेस है उन्होंने प्रूफ कर दिया कि दुनिया में कहीं भी मुसलमानों का तकलीफ होगा तो हम है, लेकिन हिंदू का तकलीफ है हम नहीं है। हम खाली हिंदू का बीच में हिंदू को जातियों में तोड़ने का काम ही हमारा मकसद है, बाकी और हमारा कुछ लक्ष्य नहीं है। अभी भारत सरकार ने ये इजाजत नहीं दिया है कि आप बॉर्डर में किसी को लीजिए, किसलिए? तब समस्या समाधान नहीं होगा। आप तो 1 करोड़ 2 करोड़ लोगों को ले नहीं सकते हो। समाधान उसी में है कि हमें पूरा डिप्लोमेटिक चैनल से काम करते हुए बांग्लादेश में ही उनको सिक्योरिटी देने का काम करें, और इस विषय में भारत सरकार जो व्यवस्था लेगी स्टेट गवर्नमेंट उनको ही फॉलो करेगा, हमारा खुद कुछ अपना व्यवस्था उसमें नहीं होगा। बांग्लादेश में 51 और 2024 ये जो तमाम समय हुआ उसमें बांग्लादेश में हिंदुओं का संख्या 33% से घट के 8% हुआ, लेकिन लोग बोलते हैं कि बांग्लादेश में हिंदू कम हुआ है। अगर वही आंकड़ा आप बंगाल असम और झारखंड में डाल देते हो, हमारा यहाँ में भी वही परसेंटेज में हिंदू घाटा है, हिंदू का संख्या घाटा है। तो मैंने असम और बांग्लादेश का कंपैरिजन दिया, एक ही समय में बांग्लादेश में 13% हिंदू घाटा है और असम में 9% हिंदू घाटे।